आप देखो, आपको लेग से पता चलेगा कि कितना ऊंचा ऊंचा हाइट आ रहा है। देखो कितना नीचे जा रहा है वैसल, आप देख रहे हो, ये देखो कितना ऊपर आएगा, ये देखो वेव्स वेव्स, आप देखो कितना डाउन जाएगा। आपको इससे समझ आ रहा होगा यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी ना गड़बड़ चल रहा है सीन। सो यार मानसून में तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं नहीं ज्वाइन करूँ यहाँ पर। सो हे गाइस, वंदे मातरम। सो फार आई वॉज ट्राइंग टू शो यू एवरीथिंग फ्रॉम द ब्रिज, बट टुडे आई गेट चांस टू कम डाउन एंड आई विल शो यू टुडे दैट हाउ अ डीपी वेसल वर्क नियर द रिग। यू सी, दिस इज आवर डीपी वेसल, देयर आर सम यू नो द कार्गो फॉर डिफरेंट रिग्स। दिस ऑल कार्गो इज नॉट फॉर नॉट बिलोंग्स टू ओनली वन रिग, दिस ऑल कार्गो बिलोंग्स टू डिफरेंट डिफरेंट रिग्स। सो प्रेजेंटली वी आर नियर वन रिग, वी आर डिलीवरिंग यू नो फ्यूल ऑयल, आई मीन बंकर, वी आर डिलीवरिंग बंकर। आप ये देख सकते हो, ये जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, जितने भी रिग होते हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म, किसी न किसी जैकेट से कनेक्टेड होते हैं। वो जैकेट बेसिकली क्या होता है कि समंदर में जो बोलते हैं, या आप ऑयल वो वेल कह लो, वेल जो वेल होते हैं, आप ये देखो जैसे कि ये सपोज एक जैकेट है, ओके दिस इज अ जैकेट, और यहाँ से आपको ये जो ये पाइपलाइन जो ऐसे ऐसे बाकी साइड में जितने हैं वो तो पिलर्स हैं, लेकिन बीच में जो आपको लंबे लंबे पाइपलाइंस दिख रहे हैं, दे ऑल आर वेल्स। ये समंदर के अंदर जाते हैं, वहाँ से वो तेल वगैरह का जो कुआं होगा वगैरह जो भी होगा उससे कनेक्टेड होते हैं, वो खोदा हुआ खोदा जाता है और समथिंग जो भी प्रोसेस होता है, आई डोंट नो सो मच टेक्निकल थिंग्स अबाउट इट, बट या दिस इज़ व्हाट द बेसिक। सो दिस इज वन यू सी वन प्लेटफॉर्म, ओके। और ये जो प्लेटफॉर्म है इससे क्या होते हैं कि रिग्स कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट कैसे होते हैं, आप ये देखो, वहाँ पे आपको एक ये पॉइंट दिख रहा होगा, दिस पॉइंट, यू सी दिस पॉइंट, और ये जो आप ऊपर में वो जो पूरा देख रहे हो, दैट लॉन्ग, दिस वन दिस इज़ द टावर, ड्रिल टावर, ओके। इसमें मैकेनिज्म फिट होता है, और एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था व्हेन इट वाज वर्किंग, राइट नाउ आई डोंट थिंक इट इज़ वर्किंग, मतलब अभी प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि जब वो काम करता रहता है तो वहाँ से एक मैकेनिज्म होता है, वो यहाँ से जो ऑयल या जो भी है उसको ड्रिल करके वो ड्रिल टावर वो बाहर निकालता है। देखिए सी यार काफ़ी ज़्यादा रफ है राइट नाउ इन अरेबियन सी, बहुत ज़्यादा, ये देखो। और ये जो है ये रिग है, ये पूरा इनका एक प्रोसेस यूनिट है, एक सेपरेट प्रोसेस यूनिट है, और ये जो जैकेट है एक सेपरेट प्रोसेस यूनिट है। ओ फक, सॉरी, शिट 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 मैन शिट, ओह सी 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 गाइस, इट इज रियली फक, ओ मैन, ओ ओ ओ, ओके। एनीवेज आप देखो यार, बड़ा ही मतलब वेदर अभी तो काफ़ी शांत है, अभी तो काफ़ी, आप डेक लेवल से मैं आपको दिखाऊं अगर तो आप देखना, अभी आएगा वेव आएगा, आजा भाई तो जब ज़रूरत होता नहीं आता। एनीवेज ये तो खैर डिफरेंट पार्ट है। सो अभी हम फ्यूल देने वाले हैं, तो आपको ये जो होजेस दिख रहे होंगे ना, ये होज आएगा, आप देखो एक होज लोअर हुआ पड़ा है और वहाँ से हमारे बंदे उसको कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम कनेक्ट करेंगे। वो जो होज के बीच में आपको येलो या रेड कलर के जो दिख रहे हैं, ये येलो दिख रहे हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोट्स। सो ये काम करते हैं, होज को फ्लोट करके रखते हैं पानी में, ताकि अगर हम पीछे से ट्रांसफर कुछ भी कर रहे हैं तो होज क्या होता है कि जब ट्रांसफ़र करते हैं तो काफ़ी भारी हो जाता है और ये पानी में डूब जाता है। सो एक सेफ्टी के लिए कहीं ये प्रोपेलर वगैरह में ना जाए और मतलब ऊपर रहे, तो इसके लिए फ्लोट्स यूज़ करते हैं। और ये रिग है, रिग का एकोमोडेशन है, और ये जो आपको दिख रहा है ये जो है एक, ये दो, और एक इसके जस्ट पीछे में, आप यहाँ समझ आएगा, एक दो और ये तीन, ये ट्रायंगलर शेप का होता है। आप नीचे से आपको समझ भी आ रहा होगा ट्रायंगलर शेप का होता है, ऊपर से उतना प्रॉपरली मैं नहीं दिखा पाता था, दैट इज़ द हेलीपैड। अब यार रिग कहीं चल के तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली हाँ ज्वाइनिंग साइन ऑफ जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो हेलीकॉप्टर के थ्रू ही होती है, तो ये दैट इज़ द हेलीपैड, यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं, इनके पास भी अपना लाइफ वॉयस वगैरह होता है। सो बेसिक ऑल सेफ्टी थिंग्स आर देयर लाइक वेसल, बट ये स्टेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टेशनरी कह सकते हैं आप, बट हाँ जब इनका इस प्लेटफॉर्म या इस वेल के साथ काम कंप्लीट हो जाएगा, ये दूसरे जगह के लिए असाइंड होंगे, तो क्या होता है ये जो लेग आपको दिख रहा है ना, ये लेग पूरा ऊपर जाएगा और जो रिग है ये आ जाएगा नीचे धीरे धीरे पानी में। जैसे कि ये जो आपको लेग दिख रहा है ना, ये आप साइड में आप देख रहे होंगे चैन जैसा दिख रहा है,
दिख रहा होगा आपको चैन के जैसा। तो ये चैन से क्या होता है, डाउन होता 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 ये आ जाता है पानी पर, फ्लोट करने लगता है। जब फुली फ्लोट होता है तो ये आपको जो मार्किंग लग रहे हैं, ये मार्किंग दिख रहे होंगे, दैट इज द ड्राफ्ट मार्किंग ऑफ रिग। ड्राफ्ट मीन्स हाउ मच रिग इज सबमर्सिंग इनसाइड द वाटर। लाइक ये जो रेड पोर्शन है ना, दैट इज द सेफ जोन, वहाँ तक मतलब आपका जो रिग है वो पानी के अंदर जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही जो वेसल्स होते हैं, इन वेसल्स वो देख रहे हो आपको बहुत लंबे लंबे टो लाइन्स दिखेंगे, टो वायर से, दैट इज द टो लाइन्स। टोइंग मीन्स इन नॉर्मल टर्म्स ऑल्सो, अगर आप किसी चीज़ को पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, नॉर्मल व्हीकल गाड़ियों में भी टो करते हैं कई बार अगर एक्सीडेंटल हो गया तो। सो सेम थिंग हियर भी, यहाँ भी वही चीज़ें होती हैं। तो रिग को एक जगह से दूसरे जैकेट पे ले जाया जाता है, तो पहले तो ये डाउन होता है पानी पे, लेवल पे आता है, उसके बाद ऐसे ही दो या तीन वेसल्स मिलके इसको खींच के एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं। एंड देन वो ट्रांसफ़र होने के बाद वापस से वहाँ पे सारा जो इनका अपना ये जो इनके जो लेग हैं, ये जो लेग हैं, ये वापस इनको ऊपर उठाते हैं। और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है इनका, तो ये वापस उठाते हैं, फिर यहाँ कनेक्शन होता है एंड वापस ऑल द थिंग्स गोज ऑन। सो इस तरह से यार ये काम करते हैं। आई होप कि थोड़ा बहुत, तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, बट यस इतना तो है कि थोड़ा बहुत एक आइडिया आपको एक लग गया होगा कि एक्चुअली हाउ इट वर्क्स। आप देख रहे हो नीचे से अंदर से कैसा दिखता है, बिल्कुल एकदम फ्लैट सरफेस है। और इधर ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ द डिफरेंट यूनिट, दिस इज़ द डिफरेंट यूनिट, ये सिचुएटरी एक जगह स्टेबल रहेगा, ये एक ही जगह रहेगा, इसको कहीं मूव नहीं किया जा सकता, बिकॉज दिस इज़ द वेल, यहाँ से कुएं से कनेक्टेड होता है, इसको मूव किया जा सकता है। इसको जब इनके साथ काम खत्म होगा तो ये मूव करके किसी और के साथ अटैच किया जाएगा। ये देखो आपके ये दिख रहा होगा, ये क्रेन जो लगे हुए हैं ना, ये जो क्रेन है इनके थ्रू ये कार्गो जो हमारे वेसल्स पे होते हैं ये उठाए जाते हैं या लोड करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं। इनको अगर कुछ सामान कहीं और ट्रांसफ़र होगा तो डिस्चार्ज करेंगे। ये अकोमोडेशन मैंने आपको दिखा दिया। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स गाइज। आप इधर आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ, बिल्कुल समंदर सपाट है, नॉट सपाट है, मोबाइल में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वेव्स, लेकिन वेव हाइट अबाउट 3.5 टू 4 मीटर है, लगभग 3.5 टू 4 मीटर्स यू नो वेव हाइट है। अभी मानसून का सीज़न है और मानसून में यार जिन्होंने जो ये अरेबियन सी, ये क्या बोलते हैं, बॉम्बे हाई में जो सेल किए हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या हालत रहता है। आई हैव बीन सेलिंग यू नो फ्रॉम लास्ट 9 ईयर्स और फर्स्ट टाइम मैं इस रीज़न में आया हूँ, और 9 ईयर्स में पहली बार ऐसा मौका हुआ कि मैंने वोमिट किया है। थोड़ा शेमफुल है बताना, बट यस दिस टाइम आई वोमिट फर्स्ट टाइम। सो 9 साल में पहली बार, तो आप सोच सकते हो यार यहाँ का मानसून का क्या सीन है। सो बस हाँ, थोड़ा रफ वेदर रहता है, थोड़ा नहीं काफ़ी रफ वेदर होता है। हालांकि इसके पहले मैंने साउथ चाइना सी वगैरह में सेल किया हुआ है, बट दैट टाइम आई वॉज सेलिंग इन मेन फ्लीट्स। सो मेन फ्लीट में बड़े वेसल्स पे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये वेसल यार 65-70 मीटर्स के वेसल्स होते हैं, इनमें तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है गाइस। सो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये एक वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज़ से ही बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि एक्चुअली चीज़ें कैसे काम करती है, डीपी वेसल कैसे काम करता है, रिग्स कैसे काम करते, बस वो बताने के लिए। इवन आपको ये भी बता दूँ कि इन सब रिग्स, ये सब लोकेशन जो ऑयल फील्ड में जितने भी चीज़ें काम हो रही है, तो लोकेशन क्या बोलते हैं उसको, लोकेशन डिस्क्लोज करना इज़ इल्लीगल, नाम वाम डिस्क्लोज करना इज़ इल्लीगल। जो भी ऑप्शन इंस्टॉलेशन होते हैं उनके लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते आप। ये देखो पानी यार यहाँ तक आ जा रहा है, देखो ये देखो। सो ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ दिस इज़ वॉट दिस वर्क, दिस वीडियो इज़ मेड ओनली जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी आती है तो हमेशा की तरह यू कैन आप मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टा पे, या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स जहाँ तक मुझसे हो सकेगा। नहीं पता होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को फाइंड आउट करूँ और आपको बताऊँ। इवन आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब इतने सालों में यार थोड़ा बहुत आइडिया तो मैं आपको दे ही सकता हूँ, हाँ, बट यू विल गेट अ जेन्युइन आइडिया फ्रॉम मी। इतना है, वो दूसरों की तरह वो सब नहीं करूँगा, बहकाने वकाने वाला और
बिना मतलब का झूठा झूठी तारीफें वाली चीज़ें नहीं हैं, जो सच है सो सच है, जो मेरिट्स है वो मेरिट्स हैं, जो डिमेरिट्स हैं वो डिमेरिट्स होते हैं, हर जगह देयर आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यहाँ भी हैं ऑब्वियसली। आप देखो, आपको लेग से पता चलेगा कि कितना ऊंचा ऊंचा हाइट आ रहा है, देखो कितना नीचे जा रहा है वैसा, आप देख रहे हो, ये देखो कितना ऊपर आएगा, ये देखो वेव्स, वेव्स आप देखो कितना डाउन जाएगा। आपको इससे समझ आ रहा होगा यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी ना गड़बड़ चल रहा है सीन। सो यार मॉनसून में तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं नहीं ज्वाइन करूँ यहाँ पर। सो गाइज, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब बाकी आपको मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई दी हुई है डीपी के बारे में। हाँ, अभी हो सकता है कि आप लोगों को, कई लोगों को कंसर्न होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था कि डीपी पोजीशन को लॉक करके एक जगह पे होल्ड करता है। अब सपोज ये रिग है, आप यू आर यू नो, अगर उस जो लेग है उसमें अगर आपका वेसल टच भी होता है तो दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ यू नो, बहुत बड़े प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। सो उसमें टच करना बिल्कुल अलाउड नहीं, बिकॉज दैट इज़ हाईली सेंसिटिव एरिया, और इसीलिए डीपी ऑपरेटेड वेसल्स इस रीजन में ऑपरेट होते हैं। क्योंकि डीपी ऑपरेटेड वेसल में क्या होता है कि 500 मीटर जब हम किसी भी ऑफशोर इंस्टॉलेशन से दूर होते हैं तो हमें वेसल को डीपी मोड में डालना होता है, एंड देन स्लोली स्लोली स्लो स्पीड पे, लाइक 1 knot 2 knots इस तरह की स्पीड पे हम इनके पास जाते हैं, और एक जगह फिर जब एप्रोप्रिएट लोकेशन में पहुंच जाते हैं, सो दैट दीज क्रेन कैन रीच ऑन अवर डेक और ये उठा सके सामान, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पोजीशन को लॉक कर देते हैं। अब को ये देखो, ये जो होज है, आप ये देख लो, फ्यूल होज है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एनीवेज, सो क्वेश्चन ये आता है कि पोजीशन होल्ड कैसे करता है। सो गाइस, डीपी वेसल्स में क्या होता है ना कि बॉ थ्रस्टर और एस्टर्न थ्रस्टर्स दिए होते हैं, मतलब प्रोपेलर के अलावा साइड में प्रोपेलर पीछे की डायरेक्शन में होता है, ठीक है, अगर वो 360 डिग्री नहीं है तो, एजीमत टाइप नहीं है तो साइड में थ्रस्टर्स दिए होते हैं, बॉ में भी और एस्टर्न में भी। तो ये थ्रस्टर क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, जो कि वो जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है उस पूरी तरह से मतलब विंड और दुनिया भर के सेंसर से कनेक्टेड होता है, जिसमें विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, अपना आपका करंट, ये सब का डायरेक्शन, स्वेल वगैरह, ये सब कुछ उसमें आता है। तो उसको सेंस करके उस बॉ थ्रस्टर, जो बॉ थ्रस्टर भी एक प्रोपेलर ही है, बस बॉ थ्रस्टर उसको इसलिए करते हैं, वो थ्रस्ट करता है साइड से, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोपेलर बट वो साइड में लगे होते हैं, ठीक है। सो वो थ्रस्ट करता है यू नो, एक अमाउंट ऑफ वाटर जितना रिक्वायर्ड होता है, और वो क्या करता है उसको, अब वेसल अगर जैसे कि किसी पर्टिकुलर साइड में जाएगा तो कंप्यूटर उस वेव को, उस विंड को, उस स्पीड को सेंस करता है, और वो प्रोपेलर उधर उतने ही पावर में उसको एक्टिव कर देता है, ताकि जहाज़ उस डायरेक्शन में ना जाए, और प्रोपेलर या थ्रस्टर जो है उसको एक्टिव होके उसको उसी जगह पे होल्ड कर ले। सो इस तरह से काम करता है ये बेसिकली डीपी सिस्टम, बॉ थ्रस्टर, प्रोपेलर्स और एस्टर्न थ्रस्टर, ये सब कुछ का मिला जुला एक यू नो एक इक्विपमेंट है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और बहुत ही यू नो बहुत ही स्मार्ट इक्विपमेंट है यार ये। विंड सेंसर जो होते हैं, एनेमोमीटर वगैरह से भी कनेक्टेड होता है। सो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके, इनका एक एल्गोरिथम होता है, उसको कैलकुलेट करके, उसको रीड करके, फिर ये क्या करता है कि वेसल के प्रोपेलर, थ्रस्टर, ये सब पे कमांड देता है, ताकि उन लोग एडिक्वेट पावर दे सके वेसल को एक जगह रुकने के लिए, ठीक है। सो ये पॉपअप करते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, जितना भी रिक्वायर्ड होगा उतना अमाउंट ऑफ पावर दे डिलीवर्स, और उसके अकॉर्डिंग वेसल क्या होता है, एक पोजिशन पे खड़ा हो जाता है, ना उसका हेड बाहर या अंदर जाएगा, ना इसका स्टर्न बाहर या अंदर जाएगा, बेसिकली इसका सर्च, स्वे और हेड, ये तीन जो पोजीशन है, तीन जो चीज़ें हैं, इसको लॉक कर देता है, ठीक है। और ये लॉक होने की वजह से जहाज क्या होता है, एक जगह रुकता है, और कार्गो ऑपरेशन कमेंस एंड कंट्रोल किए जाते हैं। सो ओके गाइज, आई होप कि थोड़ा बहुत सम वॉट आइडिया इसके बारे में आपको हो गया होगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या है डीपी वेसल्स, इसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा गाइज, आई एम नॉट गेटिंग सो मच टाइम, बट यस, क्योंकि इसके बारे में एक अच्छा सा वीडियो बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक डिटेल वीडियो बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम कलेक्टिंग द थिंग्स, वंस एवरीथिंग विल बी कलेक्टेड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू दैट टॉपिक, और मैं उस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली आपको कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से आप डीपी वेसल्स में आएंगे, अगर आप मेन फ्लीट में ऑफिसर हैं
तो कैसे आएंगे? मेन फ्लीट में अगर आप कैडेट हैं या फिर आप फ्रेश कैडेट हैं तो क्या आपको आना चाहिए डीपी वेसल में या फिर आपको मेन फ्लीट में जाना चाहिए? अगर आप मेन फ्लीट में ऑफिसर हैं तो क्या आपको आना चाहिए डीपी वेसल्स में? और अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए? ये सारी चीज़ों के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इनिशियली एज आई टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो, मैं मेन फ्लीट में था, आई स्विच्ड एंड आई एम इन डीपी वेसल्स नाउ। आई एम क्वाइट हैप्पी, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो डीपी वेसल्स में आके फुलफिल हुई हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो सब लोगों की रिक्वायरमेंट हो, डेफिनेटली बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग डिमांड्स, अलग अलग यू नो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं। बट मुझे जिस तरह की चीज़ें चाहिए थी मर्चेंट में आने के बाद, आई एम गेटिंग इन डीपी वेसल्स, आई हैव इनफ टाइम, आई हैव इनफ सैलरी, सो एवरीथिंग इज़ गुड हियर, नॉट दैट मच ऑफ स्ट्रेस। सो इसके ऊपर भी मैं एक सही सा वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं उसको पब्लिश करूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस इसमें, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें हैं, एक तो इंटरनेट का थोड़ा लिमिटेशंस हो जाता है, तो मैं इतना फ्रिक्वेंट वीडियो बना के पब्लिश नहीं कर पाता हूँ। बट यस, जैसे ही पॉसिबल होगा मैं एक वीडियो इन सब चीज़ों के बारे में डाल दूंगा, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कुछ भी क्वेरी हो तो हमेशा की तरह गाइस आप उसके बारे में मुझसे पूछिए और मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की, ठीक है? अब हम चलते हैं सोने क्योंकि वॉच हो गया मेरा ख़त्म। और हाँ, एक बार की बात है, मैं कैसे छोड़ो यार, ये बात नहीं बताता चलो यार, दिस इज़ द यू नो मैंने बोला था ना कि जो टो करते हैं रिग को, सो दिस इज़ द टोइंग विंच। ये देखो, ये वायर आप देखो कितना मोटा है। सो दिस इज़ द टोइंग विंच, यही वायर, इसी का वायर डेक पे जाता है, उससे हम रिग को कनेक्ट करते हैं एंड देन हम उसको खींच के ले आते हैं। दैट इज़ द सीसीटीवी कैमरा, आप देखो। सो कंप्रेशर, अब ये है हमारा एक डेक, दिस इज़ द लाइफ राफ्ट। इनके बारे में मोस्टली मरीनर्स को तो पता होगा, जिनको नहीं पता होगा आप बोलिएगा, अगर आपको जानना है डेफिनेटली मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये प्लेटफॉर्म है गाइस, ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म यार, बड़ा खूबसूरत सा ये। और हाँ, इस पर भी रहने वहने की जुगाड़ व्यवस्थाएँ होती हैं, और इनको जो तेल पानी वगैरह है ये सब हम ही पहुँचाते हैं, क्योंकि ये तो कहीं जा नहीं सकते, तो जो डीपी वेसल्स है वो इनको तेल वेल जो भी पानी वानी जो भी रिक्वायर्ड सुविधाएँ हैं पहुँचाते हैं। सो दिस इज आवर रेस्क्यू बोट एंड दैट इज आवर फास्ट रेस्क्यू बोट, और ये जो है लाइफ राफ्ट है, और ये हमारा खूबसूरत सा एक पौधा है, आप देखो। ये दिस इज द गैंगवे, गैंगवे जो होता है वो जब शिप पोर्ट्स पे जाता है तो जेटी से जहाज पे आने जाने के लिए इसको कनेक्ट किया जाता है, दिस इज द गैंगवे। इन मेन फ्लीट ये फिक्स्ड होता है, बट इन इन ऑफशोर वेसल्स यू सी दिस इज़ पोर्टेबल, तो जब हम जाते हैं तब इसको ले जाके लगा देते हैं, तो ऐसा सीन है। थोड़ा हिलता है यार, काफ़ी ज़्यादा हिलता है जहाज। ओके, नाउ लेट्स गो टू अनदर टैंक। हाँ, ये भी यहाँ कुछ ड्रम्स वगैरह हैं। हाँ, तो ये दिस इज़ द बास्केट, पर्सनल ट्रांसफ़र बास्केट, ये देखो। जब किसी को मान लीजिए कि यहाँ से उस रिग पे जाना होगा, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें रिग पे लोगों को ट्रांसफ़र करना होता है, तो क्या होगा कि वो जो बंदा है वो यहाँ आएगा, गेट खोलेगा, अंदर खड़ा हो जाएगा। दीज ऑल आर द सेफ्टी फ्लोट्स, आप देखो। इन केस ये देखो, यहाँ पे क्रेन इसमें कनेक्ट होगा, वो उठा के उसको रिग पे ले जाता है। दीज आर द सेफ्टी फ्लोट्स, इन केस क्रेन का वायर टूटा, वो टूटा तो समंदर में गिरेगा, सो बंदा डूबेगा नहीं, इसके लिए ये वाला लगा हुआ। सो बेसिकली शिप्स में आपको हर एक चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट दिखेगा जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है, बिकॉज विदाउट सेफ्टी यहाँ पे कोई भी काम अलाउड नहीं होता है, क्योंकि दिस इज़ द यू नो हाईली रिस्की ऑपरेशंस द वेसल्स आर डूइंग। कुछ भी मिस्टेक हुआ तो यार अब मैं क्या बताऊँ, गलती का कोई गुंजाइश नहीं हो वही अच्छा, ईश्वर करे कि कभी ऐसी चीज़ें हो ना, नहीं तो बहुत बड़ा
उसका भरपाई करना पड़ता है। दिस इज MRC फास्ट रेस्क्यू बोट इन केस ऑफ इमरजेंसी। और ये है हमारा ब्रिज ऊपर, जहाँ से मैं प्रीवियस वीडियोस वगैरह बनाता था वो यहाँ है ऊपर में ब्रिज है, और वहीं से अभी ऑपरेट हो रहा है वेसल सब कुछ। दैट इज़ फनल, मंकी आइलैंड, दैट इज़ द ट्री। बस यार मैं इतना ज़्यादा डिटेल और ये सब करके आपको बोर नहीं करूँगा।